Assalamualaikum. I'm Fahad Iqbal, CEO of Nextskill and ex-CFO at OZ Group. So the story is about the journey of last 12 years from accounts executive to CFO at OZ Group and to CEO at Nextskill. 2012 में जब मैंने यहाँ पर OZ में अपना इंटरव्यू दिया तो मुझे याद है बड़ी अच्छी तरीके से कि मैं जिस दिन इंटरव्यू के लिए आता हूँ मेरे पीछे कुछ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ और टीम प्लेयर ऑफ द मंथ एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के रिवॉर्ड्स मैंशन थे। तो वो जो एक टाइम होता है कि जब आपको थोड़ा सा वेट करवाया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो मैं वो वेट कर रहा था और मैं साथ साथ वो पॉलिसीज पढ़े जा रहा था। तो जब मैंने वो पॉलिसीज पढ़ी कि जी अच्छा यहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का भी एक रिवॉर्ड मिलता है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी है, तो वहाँ पर बैठे बैठे ही मैंने उस टाइम अपने आप से अपने आप को कहा कि जी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ये तो ये सारे अवार्ड जो हैं या जो भी रिवॉर्ड हैं ये सारे मेरे होंगे। तो स्टोरी फर्स्ट मंथ में ही स्टार्ट हो जाती है कि जी फर्स्ट मंथ जब मेरा स्टार्ट हुआ, काम किया, काम करके दिखाया, तो फर्स्ट मंथ ही आई वाज जॉइंट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। और ऐसा बहुत कम होता है कि जी फर्स्ट मंथ में आप जो है वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कहीं पे बन जाते हैं। सो एनी हाउ सेकेंड मंथ में भी मुझे टीम प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। थर्ड मंथ मेरा पूरा कम्प्लीट नहीं था तो आई वॉज नॉमिनेटेड एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर। तो अगर देखा जाए तो शुरू के 3 मंथ्स में ही मैंने 3 अवार्ड्स तो अपने नाम कर लिए थे। तो इस तरीके से एक जर्नी स्टार्ट हुई और 2012 की बात है कि जब मैंने यहाँ पर काम सीखा, काम करना स्टार्ट किया। अच्छा 2012 में मुझे था कि जी अच्छा मैंने मेरी खुद की लर्निंग कहीं ना कहीं रुकी हुई है तो मुझे कुछ और सीखना है, आगे बढ़ना है। ऑब्वियसली OZ भी उस टाइम स्टार्ट ही था इनका, कुछ इतना चीज़ें चल रही थी, लेकिन उस लिहाज से जिस तरह मैं चाह रहा था कि जी मैं एक ऐसी कंपनी में जाऊं कि जहां पर एक प्रॉपर सारी चीज़ें मैनेज हों और वहां पे मेरी लर्निंग हो, तो उस वजह से मैंने 2012 में यहां से रिज़ाइन किया और 2013 में मैं एक और कंपनी ज्वाइन कर लेता हूं। वहां पे मैंने एक काम करना सीखा, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट था, अकाउंट्स की टीम थी, तो उन लोगों के साथ लर्निंग हुई। लेकिन साथ साथ ही 2013 के स्टार्ट की बात है मार्च में कि उस्मान साहब ने मुझे बुलाया कि ये हमने आरफा टावर के अंदर गेम्स फ्रॉम स्टूडियोज़ के नाम से एक कंपनी स्टार्ट की है तो वहाँ पर आ जाओ। तो मेरी फिर रूटीन ये बन गई कि मैं सुबह 9 से 5 बजे जो है वो एक दूसरी कंपनी में जाता था, 5 से 8 बजे जो है वो गेम्स फ्रॉम में आता था। तो यहाँ जो मैं वहाँ पर अपनी लर्निंग कर रहा था बेसिकली इन चीज़ों को मैं यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट कर रहा था। तो इस तरीके से तकरीबन 1 साल चलता रहा और फिर मेरी जो रूटीन थी वो कुछ इस तरह की थी कि मैं 9 to 5 सुबह एक जॉब करता था, 5 to 8 में यहाँ गेम्स फ्रॉम में होता था, फिर 8 बजे से लेके 10 बजे तक भी मैंने एक पार्ट टाइम जॉब की हुई थी, क्योंकि उस टाइम एक क्रेज़ था कि यार अपनी जो है वो अर्निंग को बढ़ाना है, मैक्सिमाइज रखना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को देखता था कि यार अच्छा दोस्त कुछ वेल सेट हो गए हैं, अच्छा जा रहे हैं, तो मेरे अंदर भी था कि मैं बहुत से जल्दी ग्रो करूं, पैसा कमाऊं, और जिस तरह एक यंग एज में एक होता है सारा। तो इस तरीके से फिर चीज़ें चली। मैं 2013 के एंड में मुझे उस्मान साहब ने कहा कि यार तुम जो मल्टीपल जॉब्स कर रहे हो फुल टाइम हमारे पास आ जाओ तो इसको फिर हम यहाँ से आगे लेके चलते। तो मुझे भी एक बात समझ में आई कि यार मैं 3 दिन जॉब्स कर रहा हूँ, बड़ी एक टफ जर्नी थी कि आप सुबह निकले हो, फिर मैंने कहीं पे रेस्टोरेंट में एक मुझे याद है कि मैंने बेकरी में भी एक जॉब की जो यहाँ पे रात को उनका स्टॉक क्लोज करना होता था तो मैं रात 2 बजे भी घर जाता था। तो आप सुबह 9 बजे 10 बजे के निकले हुए हो, आप सुबह रात को 2 बजे घर जा रहे हो, तो एक बड़ी हेक्टिक रूटीन हो जाती है। तो मैंने फिर डिसीजन लिया कि अच्छा एक मैं फुल टाइम जॉब की तरफ आ रहा था। तो वहाँ से चीज़ें फिर आगे चलना स्टार्ट हुई। 2013 में मैंने फुल टाइम इनको ज्वाइन किया उसी ग्रुप को, आरफा टावर में गेम्स फ्रॉम स्टूडियोज़ कंपनी को, और यहाँ से फिर जो मेरी लर्निंग थी मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। इम्प्लीमेंट कैसे स्टार्ट किया कि मैं जहाँ पर गया था सीखने के लिए तो मैंने ना सिर्फ वहाँ पे अकाउंट्स की चीज़ें सीखी, मैंने HR से रिलेटेड मैटर्स भी सीखे, मैंने एडमिन से रिलेटेड मैटर्स भी सीखे, IT से रिलेटेड मैटर्स भी सीखे कि अच्छा जी नेटवर्किंग का डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली वो सारी लर्निंग जब मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट की तो मुझे इन्होंने कहा कि जी आप HR भी संभालें, एडमिन भी संभालें, देखें। तो वहाँ से मुझे मल्टीपल रोल मिलना स्टार्ट हो गए, मैं अकाउंट्स के साथ HR, एडमिन सारी चीज़ें देखने लगा। तो और मुझे याद है कि शायद अभी भी मैं अगर बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इनिशिएट उस टाइम पे की थी
वो चीज़ें अभी भी चल रही हैं। तो एक होता है कि यार आपने एक अच्छा स्टार्ट लिया कि आगे उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो 2014 से ऑनवर्ड फिर ये एक जर्नी चलती रही कि जहाँ पर बहुत सारी लर्निंग भी होती रही, साथ साथ अपने आप को भी ग्रो करता रहा। तो जब बेसिकली क्या होता है कि जब आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आपका एक बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप हो जाता है कि जी अच्छा आप ने किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलना है। लेट सपोज मुझे लगता था कि अच्छा अगर उस्मान साहब या राहिल साहब कोई एक काम कर रहे हैं तो मेरे मेरे बैक एंड पे मेरा एक माइंड चलता था कि अच्छा लेट सपोज अगर मेरी कंपनी हो और मैं इसको टेकअप करूँ तो मैं इसको इस तरीके से करूँगा। तो वहाँ से एक माइंड थोड़ा सा चलना स्टार्ट हो गया था कि अच्छा अगर मैं अपना सेटअप चलाऊँ तो मैं किस किस तरीके से चीज़ों को कैसे मैनेज करूँगा। तो फिर समहाउ चीज़ें इसी तरह टाइम आगे गुजरता गया। और फिर 2018 में जब मैं उस्मान साहब राहिल साहब हम बैठे एक डिस्कशन कर रहे थे कि जी अच्छा हम किस तरीके से अपने जो एक्सपीरियंस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मज़ीद किन चीज़ों में इन हो सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने कहा कि जी अच्छा हम ट्रेनिंग्स को स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि जी अच्छा हमारे पास तो टाइम नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो इसको फिर आपको लेके चलना पड़ेगा। तो 2018 में हमने फिर नेक्सल को स्टार्ट किया। अब जो नेक्सल की जर्नी है उसका भी फिर एक अलग एक्सपीरियंस था कि बेसिकली जो अब मेरी पीछे आप समझें कि अगर 2012 से हमने स्टार्ट किया तो 6 साल की जो लर्निंग रही है उसकी बेस पे, क्योंकि एक आईटी कंपनी में था, टर्मिनोलॉजीज कुछ पता लगी थी कि अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे काम करता है, किस तरीके से डेवलपमेंट के काम होते हैं, तो हमने फिर वही कोर्सेज स्टार्ट में नेक्स्ट में लॉन्च किए कि अच्छा जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कैसे काम करते हैं। फिर जब आपको पता है आप एक नई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर मल्टीपल काम करने पड़ते हैं, खुद से ऑब्वियसली आपके पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि आप वहाँ पर लगाएं। तो नेक्स्ट स्किल में भी फिर मुझे ये सारे काम करने पड़े कि अच्छा मैं वहाँ पर फेसबुक पेज भी मैनेज कर रहा हूँ, हायरिंग भी कर रहा हूँ, बिजनेस प्लान भी बना रहा हूँ। तो इस तरीके से फिर हम नेक्स्ट स्किल को आगे लेके चले। मैंने अपनी जॉब के साथ ही नेक्स्ट स्किल को कंटिन्यू रखा। और मैंने अभी रिसेंटली आप समझें कि दिसंबर 2022 में अपनी जॉब को क्विट किया कि अच्छा 5 साल नेक्स्ट स्किल को हमने मैंने ग्रो करवाया अपनी जॉब के साथ, क्योंकि साथ साथ एक वहाँ से भी लर्निंग चल रही थी, उन चीज़ों को हम नेक्स्ट स्किल में भी इम्प्लीमेंट कर रहे थे, नेक्स्ट स्किल को भी साथ ग्रो कर रहे थे, तो नेक्स्ट स्किल की भी एक अलहदा से लर्निंग थी। नेक्स्ट स्किल में जो मुझे इश्यूज फेस करने पड़े कि अच्छा अब यूजुअली जो अकाउंट्स का पर्सन होता है वो एक बड़ा ड्राई पर्सन होता है, उसकी एक अलग से लाइफ होती है कि वो बड़ा अपने काम पे ही फोकस करता है, बाकी इतना नहीं है। तो मेरी नेचर भी इस तरह की एक डेवलप हो गई थी कि अच्छा लोगों से इतना कोई मिलना नहीं, बात नहीं करनी। लेकिन जब आप नेक्स्ट स्किल में नेक्स्ट स्किल को मैंने जब सोचा कि यार अच्छा मैंने इस पर फोकस करना है, इसको ग्रो करवाना है, तो फिर मैंने अपने ऊपर काम किया कि हम किस तरीके से नेक्स्ट स्किल को ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए मेरा लीड करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं लीड नहीं कर पाऊंगा तो हम नेक्स्ट स्किल को कभी ग्रो नहीं करवा पाएंगे। तो मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। मैं आई वॉज वेरी शाय पर्सन कि मैं दो लोगों में बैठ के शायद बात नहीं कर सकता था, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं जी, अगर मैं लीड नहीं करूँगा तो नेक्स्ट स्किल ग्रो नहीं करेगा। उस दिन से मैंने बोलना भी स्टार्ट किया, मैंने लोगों से मिलना जुलना भी स्टार्ट किया। आज भी अभी भी क्योंकि आपकी एक नेचर डेवलप हो जाती है कि जब आपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग चलना है तो उस नेचर के अगेंस्ट आप नहीं जाते। तो अभी भी मैं जब लोगों से मिलने जुलने जाता हूँ तो मेरी नेचर मुझे रोकती है कि नहीं मिलना, नहीं बात करनी, तुम्हारी तो नेचर कुछ और थी। लेकिन मैं अपने आप से फाइट करता हूँ कि नहीं जी मैंने ये काम करना है। तो इस वजह से बोलना भी आ गया, लोगों के साथ बात करनी भी आ गई, लोगों से मिलना जुलना भी स्टार्ट किया। तो ऑब्वियसली जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो आपको इसका फ़ायदा होता है। तो जर्नी बेसिकली 12th ईयर, लास्ट 12th ईयर में फिर इसी तरह रही के लिए एक अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट किया। देन एज ए CFO मेरी प्रमोशन हुई, मैं एज ए CFO पूरी अकाउंट्स टीम को बिल्ड मैंने किया, उनको आगे लीड किया। वहाँ से फिर नेक्स्ट स्किल को स्टार्ट किया, नेक्स्ट स्किल को ग्रो करवाया। अब इंशाल्लाह जो है वो हमारी ब्रांचेस भी स्टार्ट हो रही हैं, जोहर टाउन हमने स्टार्ट किया, अभी हम एक दो और ब्रांचेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट स्किल का नेटवर्क भी बढ़ा रहे हैं, साथ साथ जो मेरे अंडर टीम काम कर रही है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे साथ है। तो मैं ये भी प्लान करता हूँ कि जी मैंने अपने साथ साथ उनको कैसे ग्रो करवाना है, उनके कैरियर के लिए क्या हमने चीज़ें ऐसी करनी है कि जो आगे उनको बिल्ड करें और हम आगे एक अच्छा नेटवर्क अपना फैलाएं लाहौर से बाहर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में नेक्स्ट स्किल का अच्छा बड़ा नेटवर्क हो।
तो बहुत से लोगों की इसमें सपोर्ट रही है ऑब्वियसली। मैं अगर बात करूं कि जी उस्मान साहब, राहिल साहब, ऑब्वियसली इनका ट्रस्ट था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की, शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें बगैर पूछे भी उनसे की। ऑब्वियसली मैं उनको शायद लूप में रखता था, लेकिन उस तरह से नहीं रखता था, मैंने खुद से काफ़ी चीज़ें इनिशिएट की हैं और बस उनको करके बताया कि जी मैंने ये काम कर दिए हैं। तो उनका एक ट्रस्ट जो मेरे ऊपर बिल्ड हुआ हुआ था, उससे मुझे एक बड़ा फ़ायदा हुआ कि मुझे बार बार अप्रूवल्स के लिए नहीं जाना पड़ता था। ऑब्वियसली जब आप बार बार ऐसे प्रोसेस से गुजरते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते। तो उनका जो ट्रस्ट था, ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर उसके बाद सपोर्ट उनकी थ्रू आउट रही है। इसके अलावा मेरी फैमिली का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहा कि मैं जिस टाइम के ऊपर यहाँ पर बैठ के 12-12 घंटे काम कर रहा होता था, तो मुझे कभी भी फैमिली की तरफ से कभी कोई इस तरह का मसला नहीं आया कि आपने इतनी ज़्यादा हमें टाइम नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली जो सारा सब कुछ कर रहा था वो उन्हीं के लिए कर रहा था। अब जब उनको नज़र आता है कि यार एक जो जर्नी स्टार्ट हुई थी जहाँ पे जो है वो मेरा बिल्कुल एक स्टार्ट लेवल था और अब मैं इस लेवल पर पहुँच गया, तो ऑब्वियसली वो भी खुश होते हैं। इसके अलावा जो रिलेटिव्स हैं, बाकी सारे जो फ्रेंड्स का सर्कल है, ऑब्वियसली उन सबको एक खुशी होती है कि जी अच्छा हम इसको जिंदगी में पहुँचे। तो मेरी तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जी जितनी आप एफर्ट करेंगे, जिस नीयत के साथ आप एफर्ट करेंगे, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपने कभी भी जो है वो हार नहीं माननी, आपने लगे रहना है, इंशाल्लाह रिजल्ट जो है वो आपके पास आएंगे। आप ये ना सोचें कि आज आप जिस लेवल पर हैं आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप डेफिनेटली जब काम करके दिखाएंगे, आप अगले बंदे को अपने साथ लूप में रखेंगे कि जी मैंने ये काम किए हैं। अपॉर्चुनिटी सर, जब वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है ना, वो एक सबसे मेन स्टेप होता है कि आपने उस टाइम पे कुछ करके दिखाना होता है। बहुत सारे लोग जो है वो अपनी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देते हैं कि जी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। एक बंदे के पास को अपॉर्चुनिटी मिली कि यार आप एक अलग से वेंचर स्टार्ट करो, तो उसको वो लाइट बड़ा ले लेगा, एफर्ट नहीं लगाएगा, और फिर उसके बाद क्या होता है कि चीज़ें डाउनफॉल की तरफ जाती हैं। तो मैंने अपनी कैरियर में, अपनी लाइफ में मैंने फाइट करना सीखा है अपने आप से। अगर मैं अपने आप से फाइट नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। थैंक यू।